A South Asian Canadian channel. पंजाब विच नवीं बनी आम आदमी पार्टी दी सरकार वल्लों लोकां नाल बहुत वड्डे वादे कीते गए ने, चाहे वह सिक्ख्या दा वादा होवे जां फिर सिहत सहूलतां दा। जेकर सिहत सहूलतां दी गल करिए तां उहनां वल्लों पंजाब विच लोकां नूं वधिया सिहत सहूलतां अते मुफ्त सेहत सहूलतां देण दा वादा कीता, पर पटियाला दे सरकारी जिंदरा हस्पताल विखे चंगीआं सेहत सहूलतां ना मिलण कारण एक पंजाब पुलिस दे कांस्टेबल दी मौत होण दा मामला सामने आया। पंजाब पुलिस विच बतौर कांस्टेबल दी मौत दा कारण डाक्टरां नूं मन्निया जा रिहा। पत्रकार नाल गलबात करदिआं हैड कांस्टेबल दे भरा ने दस्सिआ कि उसदे भरा नूं छाती विच दर्द हो रिहा सी, जिस करके उह उस नूं रजिंदरा हस्पताल लै आया, पर इत्थे डाक्टरां वल्लों उस नूं 4 घंटे खज्जल खुआर कीता गिआ अते जदों उहनां ने डाक्टरां नाल गल कीती तां उहनां नूं फाइल बणाउण लई कहा दित्ता गिआ, पर उहनां दे भरा दे इलाज करन नूं तरजीह डाक्टरां वल्लों नहीं दित्ती गई। रजिंदरा हस्पताल विखे सही इलाज ना होने कारण डाक्टरां दी अणगहली कारण उन्हां दे भरा दी मौत हो गई है। इस मौके मृतक हैड कांस्टेबल दे भरा ने कहा कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी सरकार अते भगवंत मान वल्लों सिहत सहूलतां नूं लै के वड्डे दावे कीते गए ने, पर जेकर हस्पतालां विच इस तरह का इलाज होवेगा जां डाक्टर अणगहलियां करनगे तां फिर पंजाब दे लोकां दा तां रब ही रख है। मैं अपने भाई नूं अश्विनी कुमार नूं इत्थे दाखल कराया सी, उहनां दी चेस्ट च इनफेक्शन थी। पहला तो इतने किसी ने मैंने एक नंबर वार्ड पूछा नहीं, मैं 4 घंटे बैठा रहा। पुराना ट्रीटमेंट चलता सी डॉक्टर साहब का, वो मैंने उन्होंने कहा भी एडमिट कर लो जी, उन्होंने एमरजेंसी रैफर करता, पर मैंने किसी ने 4 घंटे एमरजेंसी आई गई नहीं दी। जो तो मैं डॉक्टर साहब को बोलिया, जो उत्तर पीजी की सीनियर डॉक्टर कोई नहीं थी, मैं डॉक्टर साहब मैं उरे मुलाजम हाँ जी, जब मेरे नाल ये हाल हो रहा तो दूजे नाल की बनूगा। चलो तुम फैल बनवा लिया जी, मैं फैल बनवा के लेके आया जी। फैल बनवाने तो बाद उन्होंने टीके लिखते, कहता उन्होंने जाके कह दो टीके ला देंगे। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं देखे, मेरे को इन्ने टेस्ट कराए पे, मैं जाके उन्होंने टीके दते जी, एडमिट कराया, मेरी चाह पी रहा चंगा भला बैठ, टीका लाते लाते कह रहा, कहता जी मैडम मेरे बुढ़ा तो ना कुछ सुन जा हो रहा, नहीं जी ये तो एंटीबायोटिक करके है जी, और टीका नहीं पूरा लग गया जी। मेरा भाई रुड़क गया। की काम करते सी हो? ओ पंजाब पुलिस चैट कांस्टेबल जी। की मंग करना चाहते हो? मैं तो मंग यही करता जी, भगवंत मान जी ने पूछना चाहना भी जेड़े तुम दावे करते भी हस्पताल के सुधार होने भी इदा ही होने, यही सुधार ने तुटे, जे तुम कुछ कर सकते हो तो ये वास्ते कुछ चंगा करो, ताकि किसी और कुछ ना हो। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी आए कोई? मैं कहना जी पुलिस अधिकारी उन्होंने उदो बुलाए जो मैंने उन्होंने तो फैल मंगी, जो किसी मरीज की जो मैं मुलाजम हाँ मैंने पता हो रहा किसी मरीज की डैथ हो जाए किसी की छुट्टी हो पेमेंट भरता तो उन्होंने क्लीयरेंस मिलती है। फैल उन्होंने देन देने भी जाओ जी क्लीयरेंस करा के दो, और डॉक्टर मेरी फैल लैके भज गया। कौन सी जो ट्रीटमेंट कर रहा है? वार्ड नंबर 11 का जी, मैं उन्होंने नहीं जानता, जूनियर डॉक्टर थी, सीनियर डॉक्टर कोई नहीं थी, ओनली उत्तर स्टाफा थी या स्टूडेंट थी। मैं स्टाफ मैंबर आई और लिफ्ट ऑपरेटर हाँ रजिंद्र हस्पताल, मैंने उन्होंने कहा भी मैंने फैल दे दो, उन्होंने मैंने फैल नहीं दी, भज गया। पुलिस वाले बुला ले जी चौंकी चो, तुम जी रौला ना पाओ जी, इन्हों का पोस्टमार्टम करा लो जी, थोड़ी गलती है। कहदे वास्ते पोस्टमार्टम हूँ, कहदे वास्ते हूँ, वो कोई एक्सीडेंट थी, कोई पोइजन केस थी, मेडिसिन का केस, डॉक्टर की अणगहली है। फैल लैके क्यों भज गया जी, वो भी ये मेरे फोटो स्टेट ना करा लैन, ये इंजैक्शन ना देख लैन भी की सीगा। मैं अपने एम एस साहब फोन पर गल करने की कोशिश करी, मैं उन्होंने 4 बार फोन करे, मेरा उन्होंने फोन नहीं चुकया। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਗੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਊ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਨੇ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਵਾਂਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨੀ ਘਰੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। 10 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਟੀਕੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ? ਸਾਤੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ। A South Asian Canadian Channel.